हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ आप कैसे स्टोन फॉर्म बना सकते हो। जैसे कि देख सकते हो, मैं काफी ज्यादा स्टोन तोड़ता ही जा रहा हूँ और मेरे को बहुत सारे स्टोन्स भी मिलते ही जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वाला फॉर्म में आप लोगों को कॉपर स्टोन भी मिल जाएगा और साथ ही स्टोन भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप सिल्क टच पिकेक्स से इसको तोड़ेंगे तब आप लोगों को स्टोन मिल जाएगा, अगर आप नॉर्मल पिकेक्स से इसको तोड़ेंगे तब आप लोगों को कॉपर स्टोन मिल जाएगा। और आप देख सकते हो कितना ज्यादा स्टोन मेरे को मिलता है जा रहा है। तो मैं 1 मिनट एफ के होने के बाद मतलब मेरे को पूरा कितना स्टोन मिलता है वो मैं सबसे पहले अभी आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, अभी देखते हैं मेरे को कितना स्टोन मिला। मैं पूरे के पूरे 1 मिनट लगातार ये स्टोन जो है तोड़ता ही जा रहा था। तो अभी देखते हैं 1 मिनट पूरे होने के बाद हमको कितना स्टोन जो है देखने के लिए मिलेगा। तभी आप देख सकते हो इधर 64 है और 28 और इधर 41। इसका मतलब पूरे के पूरे 133 जो स्टोन ब्लॉक्स है मेरे को मिल गया, 133 स्टोन ब्लॉक्स। इसका मतलब 2 स्टैक और भी 5 स्टोन ब्लॉक्स मेरे को मिल गया है। तो इसका तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें आप लोगों को कितना स्टोन जो है देखने के लिए मिल जाएगा 1 मिनट में। तो इसके मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोगों को 5 मिनट में कितना मिलेगा और 10 मिनट में कितना और आधे घंटे में कितना। तो अभी मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ ये स्टोन फॉर्म आप कैसे बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आप सब लोगों को बताऊँगा आप कैसे स्टोन जनरेटर को बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप इधर देख सकते हो पूरे के पूरे 66 बिल्डिंग ब्लॉक्स और 4 चेस्ट और उसके बाद एक लावा बकेट और 8 हॉपर्स, उसके बाद 2 वाटर बकेट्स, 2 ट्रैपडोर और 2 स्लैब। तो सबसे पहले मैं सारे सामान जो है ना पिक कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताने स्टार्ट कर देता हूँ। तो उस सबसे पहले आप लोगों को क्या ना कुछ इस तरीके से 6x6 एरिया बनाना है, जैसे कि मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो ये 6 ब्लॉक्स है और सेम इसी तरीके से आप लोगों को इधर भी करना है। तो ये भी 6 ब्लॉक्स हो चुके हैं, तो सेम इधर भी 3 और ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इसको मैं तोड़ देता हूँ। तो जैसे कि अभी देख सकते हो ये पूरे के पूरे 6x6 कुछ यू शेप का आया है। तो इसका क्या ना आप लोगों को 2 लेयर जो है ना बड़ा कर देना है, जैसे कि इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इसका जितना भी ये यू शेप का जो 6x6 एरिया है ना, इसको आप लोगों को सबसे पहले 2 ब्लॉक बढ़ा देना है। इसका जो हाइट है कुछ इस प्रकार के, तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसका जो हाइट है इसका बढ़ा दिया। अभी आप लोगों को इधर 3 ब्लॉक लगाना है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर 3 और सेम टू सेम इधर भी 3 ब्लॉक लगाना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को स्लैब लगाना है, दिखा देता हूँ आप लोगों को, चेस्ट भी लगा दे। तो सबसे पहले मैं चेस्ट लगा देता हूँ, इधर 2 चेस्ट लगाना है और सेम टू सेम इधर भी 2 चेस्ट, उसके बाद हॉपर्स भी लगा देता हूँ। तो हॉपर्स जो है इस चेस्ट को कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद ये जितना भी हॉपर्स है ना, मतलब ये इस सारे को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हॉपर्स सारे इस हॉपर को कनेक्ट होना चाहिए, ये 3 हॉपर जो है ना इसको कनेक्ट होना चाहिए और ये हॉपर जो है चेस्ट को कनेक्ट होना चाहिए। और तो दोस्तों, इधर भी आप लोगों को सेम उसी तरीके से करना है, ये वाला जो हॉपर है ना इस चेस्ट को कनेक्ट करना है और उसके बाद सारे जितने भी हॉपर्स है ये, सॉरी ये थोड़ा सा गलती लग गया, इसको मैं तोड़ देता हूँ, इसमें आ जाएगा शायद, इसमें आ गया। जैसे कि देख सकते हो हमारा जो कनेक्शन है वो एकदम से ठीक है, इसके वजह से उधर चल गया। तो ये वाला हॉपर भी मैंने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप लोगों को इधर एक स्लैब रखना है और इधर भी एक स्लैब, उसके बाद ट्रैप डोर, 2 ट्रैप डोर रखना है इधर और उसके बाद इधर, इसको भी ओपन कर दो। अभी आप लोगों को पानी डालना है, अभी कैसे डालना मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी आप लोगों को पानी डालना है। तो पानी कुछ इस प्रकार का आप लोगों को डालना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा इन चारों में फिल हो जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर जो फ्लो है इस तरफ है, तो सेम टू सेम हम लोगों को इधर भी करना है, इधर भी मैं पानी डाल देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो वाटर फ्लो है इधर, दोनों दोनों का जो वाटर फ्लो है सिर्फ इसी तरफ आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ कुछ इस प्रकार का आप लोगों को इसको बंद कर देना पड़ेगा, मतलब वाटर।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का कुछ दिखेगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसका जितना भी एरिया नहीं, इसको आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। सिर्फ इस दो ब्लॉक को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी जो लावा बकेट है वो इधर बीच में आप लोगों को डालना है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर बीच में आप लोगों को लावा बकेट को डालना पड़ेगा। तो दोस्तों लावा डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या है कि आप लोगों को ये जो लावा है ना, ये पूरे के पूरे 8 ब्लॉक में फैलना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से 8 ब्लॉक में, पूरा जितने भी 8 ब्लॉक है ना, इन सारे में ये लावा जो है फैलना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इधर स्टोन जो है जनरेट होगा और आप लोगों को स्टोन भी मिलता जाएगा। मतलब जैसे आप अभी देख सकते हो चेस्ट, दोनों चेस्ट जो है खाली है, तो मैं इसे तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्टोन फॉर्म है बिल्कुल भी सही ढंग से काम कर रहा है। तो मैं एक बार आप लोगों को ये देख सकते हो मेरा सिल्क टच पिकेक्स है, तो मैं सबसे 14 पिकेक्स से भी तोड़ कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो अभी मेरे को कॉबल स्टोन मिल जाएगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो इधर कॉबल स्टोन भी मेरे को मिल रहा है और साथ ही स्टोन भी मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो स्टोन और कॉबल स्टोन दोनों मेरे को मिल गया है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा आसान फॉर्म है, ये आप भी बना सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर भी मैंने एक इसी टाइप का स्टोन फॉर्म जो है बनाया। जैसे कि अभी देख सकते हो ये पूरे के पूरे क्रीपर फॉर्म के ऊपर मैंने बनाया, ताकि क्या ना मेरे को दोनों एक ही साथ मिलते रहे। मतलब मेरे को स्टोन भी मिल जाए और साथ ही क्रीपर भी और साथ ही गन पाउडर भी मेरे को दोनों साथ में मिल जाए, इसीलिए मैंने ऊपर जो स्टोन फॉर्म बना दिया। इसके लिए क्या है ना 121 ब्लॉक्स ऊपर होना पड़ता है, तो उसकी वजह से मैंने उधर स्टोन जो है स्टोन फॉर्म बना दिया है। तो सबसे पहले नॉर्मल कर देते हैं। तो आप देख सकते हो उधर मैंने स्टोन फॉर्म बना दिया, तो आप भी ये कर सकते हो। मतलब आप लोगों को स्टोन भी मिल जाएगा, आप लोगों को जो भी फॉर्म होगा उसमें से भी आप लोगों को सामान जो है मिल जाएगा। और आप देख सकते हो ये एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा है। और दोस्तों इधर देख सकते हो मेरे पास हेस्ट टू भी लगा है, जैसे कि अभी देख सकते हो हेस्ट टू भी लगा है, इसलिए मैं बीकन के पास ही कर रहा हूँ, ताकि क्या ना मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा स्टोन मेरे को मिल सके। अगर आप लोगों को हेस्ट टू नहीं रहेगा तो आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को कम स्टोन जो है देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाओ लाइक और शेयर करो, और आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अलविदा।